इसको चालू किया गया है। इसके अंदर ग्रासी प्लाट लगाया गया है, फूल भी बहुत लगे हुए हैं, झूले भी हैं बच्चों के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, आगे मेरे साथ रहिएगा। इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, लाइटिंग भी सिस्टम आप देख सकते हैं। मजीद आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो पूरी देखिए और बताइएगा कि आपके शहर में भी इस तरह के पार्क हैं या वीरान पड़े हुए हैं, उन पर कोई काम नहीं हो रहा। जो भी सिचुएशन है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आप देख सकते हैं, ग्रासी प्लाट को पानी लगाया जा रहा है और ये बेंच पानी के अंदर चली गई है, तो यहाँ पर पहुँचना नामुमकिन ही है। सनसेट का भी खूबसूरत सा मंजर आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये झूले बच्चों के लिए, स्लाइडिंग्स, और ये अगर ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो साथ ही इंडस हाईवे है, यहाँ से ट्रैफिक गुजर रही है, आप देख सकते हैं हैवी किस्म की ट्रैफिक। ये देखें इधर भी पानी लग रहा है, और ये दरख्त तो आप देख सकते हैं कुदरत के लिए, ये दरख्त जो है बहुत बड़ी एक नेमत है। दरख्त लगाएं, वक्त से जगाएं। हाँ जी ज़रूर, जितना हो सके दरख्त लगाइएगा और उनको मत काटिएगा प्लीज़, अगर आपके आसपास घर में ऑफिस में कहीं भी है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और ये कुछ पौधे भी इधर नए लगाए गए हैं, ये देख सकते हैं आप, बच्चे खेल रहे हैं कितने खुश। हम भी कभी बच्चे हुआ करते थे, टेंशन फ्री बिल्कुल, ऐसे ही खेलते एंजॉय करते थे। अगर अब वक्त गुजर गया, बचपन याद आता है, आपको भी याद आता होगा, लाजमन बात है। अगर याद आता है तो आपको बचपन में अपनी सबसे कौन सी चीज़ याद आती है? ये आप देख सकते हैं झूले, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश और खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सोच रहे होंगे कौन सी जगह है, ये हमारे शहर का एक छोटा सा पार्क है,
आप देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं, ग्रासी प्लॉट है। तो शहरों में आपको पता है तफरी के मौके बहुत ही कम होते हैं। ये पार्क भी बहुत ही लंबे अरसे से कह रहे वीरान पड़ा हुआ था, जिसमें कुछ भी नहीं था। तो अभी कुछ अरसा हुआ है।